वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा सानू कीते गए 52 हुक्मां दे विचों जो सत्तवां हुक्म है रहत पंज ककारां दी दृढ़ करके रखनी उस उत्ते विचार करांगे। पंज ककार किहड़े हन? केश, कंघा, कड़ा, किरपाण ते कछहरा। अज आपां पहले ककार केस उपर विचार करांगे। रहनी रहतल ते रहत अपने आप विच गंभीर भावनात्मक मायने रखते हैं। रहनी रहन दा प्रतीक है, भाव कोई बंदा किवें उठदा बैठदा विहार करदा किवें खांदा पींदा जां किवें इस तरह के होर कम करदा। रहतल है रहन दा ढंग, पर रहत दी अपनी ही एक गंभीरता है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमनी साहिब दे विच जिथे रहत दा जिक्र करदे हन उत्थे अंदरले ते बाहरले दा बयान नाल नाल है। मन ते मुख दी गल संग संग है। सो इस तो स्पष्ट हुंदा है कि अखर रहत अपने आप विच विलक्षण गहराई रखदा है। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुख हो गंड लावत। सो रहत दा भाव स्पष्ट है कि जो गुरु दे हुक्म हन, जो गुरु की दसी जीवन जांच है उस दे अनुसार चलना। निरी वेश भूषा ही नहीं सगो सोचनी भी ओह जी बनाउणी जैसी गुरदेव ने दसी है। जे असी ये कहीए कि असी रहत रख ली है तो यह गल भली प्रकार समझ लेनी चाहिए है कि रहत धारी अंदरों कुछ होर ते बाहरों कुछ होर नहीं होवेगा। उस दे मन विच प्रीत जरूर होवेगी। ऐसा नहीं कि मनों कुछ होर ते मुखों कुछ होर। जिहड़े जिन मन होर मुख होर हन उन्हां नूं ते इत्थे थां ही कोई नहीं मिलदी। वो तां कच्चे हन, वो तां बाहर कढ दित्ते जांदे हन, उन्हां दी गुरु पास कोई जगह नहीं। रहत वाले उही हन जो मन अते मुख तो इको हन। वो दरियावां वर्गे हन, अरोक हन जिन्हां नूं कोई भी रोक नहीं सकदा। उन्हां दे मार्ग कोई भी रोक नहीं सकदा, हुक्म मनण वाले ही हन। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पासों प्रगट जाए, मन्नै मगन चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध। वो सौ सागर वाले वधदे चले जाते हैं। उन्हां दा उद्गम स्रोत पंध अते मंजिल सुते सिद्ध प्राकृतक है। वो मंजिल वल वधदे दुनिया विचों दी लंघदे चट्टानां नूं पछाड़ के टोया नूं भरदे धरती नूं सराब करदे पर उपकार कमाउंदे सौ सागर विच सहिजे जा समाउंदे हन। तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मनमुख सच्चा नाओ उथै अमृत बंडी है करमी होए पसाओ। जिन्हां दे मन विच वसदा नाम मुख विचों उतरिया जांदा है उचारिया जांदा है अते सुभाव विच शामिल हुंदा है वह जीव गुरसिख ज्योड़े हैं। उन्हां ते बख्शिश होई है ते वह रहत धारी हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी का वचन रहत पंज ककारां दी दृढ़ रखनी किसी विशेष व्याख्या का मुहताज नहीं, क्योंकि इस दे पिछे गुरु नानक देव जी महाराज के शक्तिशाली विचारां दी महानता है, जिसनों दो सदियां तो किते वध समा गुरु घर ने परपक्कता नाल दृढ़ कराया है, कमाया है ते आप जीविया है। हुण आपां विचार करांगे पहला ककार जो केस है। केस श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दी संगत रूपी पाठशाला विच जिस प्राणी ने किरत करनी नाम जपना ते वंड छकण दा सबक पढ़िया है, जीवन दे मार्ग उत्ते जिहड़ा गुरमुख मुख गुरु वल रख के मंजिल वल तुर पिया, जिहड़ा सच ते धर्म दा पल्ला पक्का फड़ के अणख ते आजादी नाल निरभय हो के निरभउ ते निरवैर अकाल पुरख दी फौज दा सिपाही बनिया है, उस लई जो वर्दी यूनीफॉर्म गुरु पातशाह ने बख्शिश कीती है वो ये पंज ककार हन। इन्हां विचों केस सब तो उत्तम मुख हन। केसां दा हुक्म पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज ने ही कर दिता सी। आपने भाई मरदाना जी नूं जो तीन संदेश दिते आदेश दिते उन्हां विच केस सब तो पहला हन। गुरु नानक पिता दी बख्शिश ते कृपा नाल इतिहासिक साखियां विच जिन्नियां भी शख्सियतां दा जिक्र आउंदा उह सब केसाधारी हन। उंज भी जदों असीं किसी खूबसूरत खूबरू पुरख दा जिक्र करदे हाँ ध्यान करदे हाँ तां इक केसाधारी मूर्त ही साडे ख्यालां विच आउंदी है।
अकाल पुरख का कोई पंज भूतक शरीर नहीं है, ना ही वह मनुखी रूप में इस धरती से अवतित्र होया। वाहेगुरु सरगुण हो के रहिंदिया होया भी निर्गुण ते निरंकार है, पर फिर भी गुरबाणी विच जदों किते अकाल पुरख नूं चरित्र किया गया है तो उसके केसाधारी रूप का ही बखान किया गया है। श्री गुरु हर राय साहब जी ने भाई हकीकत राय के नाना जी भाई नंद लाल जी नूं केस रखण का हुक्म किया। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिवें मैं उपर बेनती की है कि पंज ककारां दी रहत रूपी वर्दी यूनिफॉर्म खालसा अकाल पुरख की फौज नूं बख्शी ता सर्वप्रथम हुक्म केसां दा ही कीता ते केस साडी मोर है आख्या। मोर जां छाप बादशाहां दी होया करदी है, जो पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु नानक पिता दे हुक्म नूं अपनी एक मोर जां छाप आख्या। यही गुरु वालों दिती हुई सनद है, सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, साडी पछाण है। किते अंग्रेजी साथ विच कवि विलियम चासर ने केसां नूं मर्दू पुणे की निशानी किया है। केसाधारी होना मनुख की मर्दू दख है, केसा का मनुख उत्ते कोई मनोविग्ञानिक प्रभाव है। केस धारण करन दे कई विज्ञानिक लाभ भी हैं। केस कट्टन नाल शक्तियां जाया हुंदी है अते उन्हें मुड़ कुदरती तौर पर उगण विच शरीरक या मानसिक शक्ति खर्च हुंदी है। किसी सैमसन या दलाइला की कहानी विच केसा की होंद बहादुर सैमसन की शक्ति का कारण हो सकती है, या फिर कोई केसाधारी मनुख साधु जिही बिरती का पुरश जापदा है। ये सब गल्लां अपने आप विच सच हैं, बड़ियां चंगियां ते भलियां हैं। इन्हां उत्ते अगों बहुत सारी डूंगी खोज विज्ञानक ते ज्ञानी कर रहे हैं, जो केसां दी जरूरत ते महानता नूं भली प्रकार मजबूत दलीला नाल सिद्ध करनगे अते वड्याउणगे। पर गुरसिखां लई इह गल सब तो महान है कि केस धारण करना गुरु का हुक्म है। बस यही समझ के, यही मन के, ये जान के गुरसिखा ने केस धारण करने हैं। इन गलों का स्वाद ते उस स्वाद का विस्माद हुक्म विच आया होया गुरसिख ही माण सकता है कि हुक्म मनन नाल कितना सुख हासिल हुंदा है, कितनी आत्मिक उच्चता की अवस्था प्राप्त हुंदी है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब विखे आनंदगढ़ तो इलावा होर कई गढ़ उसारे, उन्हां विचों आनंदगढ़ ते सब तो नेड़े केसगढ़ है। इस तो साफ स्पष्ट हुंदा है कि गुरु नानक दे मार्ग ते चलदियां पंथ दी आनंद दी अवस्था नूं प्राप्त होण वास्ते केसगढ़ तो होके आएगा तो उसका मंजिल ते पुजना सहल सहज अते प्राकृतिक होवेगा। मनुख दी आम हालत बड़ी विचित्र जी है, वह पहुँचना तो आनंदगढ़ चाहता है पर रहिंदा भरमगढ़ विच है। उसने भरम कोट के दुआले माया की गहरी खाई बनाई हुई है ते इस तरह बनाई है जिवें सतगुणा नूं उहदे विच आउण दी मनाही होवे। इस बिखमगढ़ नूं तोड़िया किवें जाए, इसका इको ही तरीका है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बख्शिश किया, भरम कोट माया खाई कौ कित बिद तोड़ी है, गुरपुरा आराद बिखम दल फोड़ी है, हों तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है। बस यही कृपा कीती कि गुरमत ने कायागढ़ नूं भरमगढ़ विचों कढ के केसगढ़ दे रस्ते आनंदगढ़ तक पहुँचा दिता। माया ते ऐश्वर्या दा वैभव फिक्का ते निक्का कर दिता है, चिक्का कर दिता है, भरम तोड़ दिते हैं, खाइयां पूर दित्तियां हन, मन मैदान कर दिते हन, अमोड़ ते खतरनाक खूंखार आत्म बैरियां दा विनाश कर दिता है। होर कोई विधियां आदि गुंजल ना पा के इको गल गुरपुरा आराधिए दी दसी है ते आराधन तो बाद भी फिर इन्नी अध्यात्म उच्चता भरी निम्रता ही रखनी जितनी किसी हुक्म मनण वाले दिन रात हथ जोड़ खड़ोते गुरसिख सेवक विच हुंदी है। सो केस धारण करना गुरु का हुक्म है ते हुक्म मनण वाले ही प्रवान हन। असी इतिहास खरोल के देख लिए भावें कितने ही देवी देवते हैं, कितने सारे धर्मां दे जितने भी मुढ़ी हैं, भावें वह मुहम्मद साहब हैं, चाहे क्रिश्चना दे जीसस हैं, जां अपने 33 करोड़ देवी देवते हैं। असी देखते हाँ जदों कदे रामायण हुंदी है, महाभारत च खेडते हैं, इत्थे देखते हैं नाटक रचे जाते हैं, तो उन्हां दे विच जो श्री रामचंद्र लक्ष्मण कृष्ण आदि बनते हैं उन्होंने लम्बिया लम्बिया दाढ़ियां मुछां ते केस होंदे हैं,
इस तों साफ पता लगता है कि केसां दी महानता बड़े समय तो है, बड़े समय तो केसां नूं बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिता जांदा है। केस बड़े जरूरी हैं, केस साडी नाम दी जो शक्ति पैदा हुंदी है, नाम सिमरन करन दे नाल जो साडी शक्ति पैदा हुंदी है साडे शरीर दे विच, उहनूं इकट्ठी करके रखण ते साडे शरीर दे अंदर ही समाउण लई बड़े सहाई हुंदे हन। इस करके केसां दी गुरसिखां दे सिखां दे जीवन विच, सिख धर्म दे विच बड़ी महत्ता है। इस करके सारयां नूं बेनती है कि केस रखणे शुरू कर देन, जां जिन्हां ने केस अजे नहीं रखे उन्हां नूं बेनती है, उन्हां दे चरणां विच बेनती है कि गुरु दे दरसाए मार्ग उत्ते चलीए ते केस रखणे आरंभ करिए। इतनियां ही बेनतियां नूं प्रवान करना जी। कथा करदिआं अनेकां प्रकार दीआं भुल्लां गलतियां हो गईआं होणगीआं, अनजाण बच्चे समझ के माफ़ करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।